नई पंजाब असेंबली के 354 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए पीटीआई के चौधरी परवेज इलाही और नून लीग के इकबाल गुज्जर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद मिजारी, इनके मद्दे मुकाबले नून लीग के मलिक वारिस कल्लू होंगे। पीटीआई के नामजद स्पीकर पंजाब असेंबली की आज नैब में भी तलबी। आमदन से जायद असाजात का केस, नैब हुकाम ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही को आज 11 बजे तलब कर लिया। एज गार्ड कंपनी केस की तहकीकात का भी दायरा वसी। नैब ने अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को 27 अगस्त को बुला लिया। कप्तान के खिलाड़ियों की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी मैच की भरपूर तैयारी। फ्लैटिस होटल में सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शाह महमूद कुरैशी बोले, पंजाब में पीटीआई इत्तेहादियों की वाज़ह अक्सरियत मिल चुकी। परवेज इलाही तजर्बाकार सियासतदान है, असेंबली बेहतर अंदाज में चलाएंगे। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, गवर्नर हाउस को गिराएंगे नहीं, खर्चा कम करेंगे। जो कहते हैं हुकूमत दो साल नहीं चलेगी, इन्हें सदमा होगा। पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, पीपल्स पार्टी का राह फरार इख्तियार। पीपल्स पार्टी का आज के इंतखाबी अमल से दूर रहने का फैसला। इंतखाब में पीटीआई और नून लीग को वोट नहीं देगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए नून लीग की हिकमत अमली तैयार। हमजा शहबाज की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हमजा शहबाज कहते हैं, पूरी कोशिश होगी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त दें। दरख्त लगाओ, माहौल को सरसब्ज बनाओ। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब के रहनुमाओं ने आर्ट बिशप हाउस में अमन का पौधा लगाया। वकला बरादरी का सेशन कोर्ट में पौधा लगाकर चित्रकारी मुहिम का आगाज। मवेशी मंडियों की रौनक के अरूज पर पहुंच गई। शाहपुर कांजरा की मंडी में बबलू और सांवल के चर्चे। लाड प्यार से पाले जानवरों के मालिकान के भी नखरे। मुंह मांगी कीमत वसूल करने की जिद, खरीदारों से बहसों तकरार।